दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो ये जो वीडियो है ये ऑयल पेंटिंग लैंडस्केप है, बेसिक्स है, जिन लोगों को नहीं आता है, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं ऑयल पेंटिंग पर उन लोगों को कोई आइडिया नहीं है, उन लोगों के लिए है। एक्चुअली ये इंग्लिश में था, ये मेरा पुराना वीडियो है, पर इस वीडियो को लोगों ने बहुत पसंद किया, लोगों ने बहुत सीखा इस वीडियो से। सो मैंने सोचा कि इसको हिंदी में डालना चाहिए फिर से। और जो लोग ऑयल पेंटिंग करना चाहते हैं, लैंडस्केप करना चाहते हैं, देन ये वीडियो तो बहुत ही परफेक्ट है। इससे आपका जो सारा डाउट्स है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब क्लियर हो जाएगा। सो इस पेंटिंग के लिए आपको चाहिए ऑयल कलर्स ऑब्वियसली, जो कि कैमल का है, बहुत ही चीप है। लिंसिड ऑयल चाहिए आपको, ये कंपलसरी है। एक पैलेट चाहिए, आप नॉर्मल पैलेट पे भी कर सकते हैं। स्ट्रेच कैनवस ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप कैनवस बोर्ड मत यूज़ कीजिए, वो बहुत ही रफ होता है। स्ट्रेच कैनवस या फिर कैनवस पेपर सबसे बेस्ट है रियलिस्टिक वर्क के लिए। और ब्रश में यूज़ कर रहा हूँ हॉक ब्रश एंड जो सेवल ब्रश होता है सिंथेटिक सॉफ्ट वाला, वो हॉक ब्रश बहुत ही ज़रूरी है ऑयल पेंटिंग के लिए। उससे जो पहला लेयर होता है रफनेस जो होता है उस हॉक ब्रश में होता है, और उससे आप बहुत ही टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। और जो सिंथेटिक ब्रश होता है वो फिनिशिंग के लिए हमेशा सिंथेटिक ब्रश यूज़ किया जाता है ऑयल पेंटिंग पे, और स्टार्टिंग पे आपको हॉक ब्रश से करना है। कोई भी लैंडस्केप पेंटिंग हो, चाहे वो वाटर कलर से करें या फिर कोई भी मीडियम से करें, स्काई सबसे पहले करना चाहिए लैंडस्केप में। और ऑयल पेंटिंग में एक जो चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डार्क कलर से स्टार्ट करना है। सो स्काई पे मैंने कोबाल्ट ब्लू और थोड़ा व्हाइट मिक्स करके जो स्काई का जो इफेक्ट होता है वो दिया है, और नीचे से थोड़ा पर्शियन ब्लू लेके उसको धीरे से ब्लेंड किया है। आप देख पा रहे हैं नीचे से डार्क होकर ऊपर थोड़ा लाइट हो गया है, स्काई ब्लू हो गया है। और एक स्मॉल फ्लैट ब्रश, जो कि थोड़ा छोटा फ्लैट ब्रश है, उससे मैं क्लाउड का जो शेप है, जो राउंड शेप में है, उसको मैं दे रहा हूँ। बहुत ईजी है, राउंड शेप में उसको आपको माना है क्लाउड के जैसा, जैसा क्लाउड का शेप होता है। व्हाइट कलर से टाइटेनियम व्हाइट मैंने यूज़ किया है। और ट्री पे मैं यूज़ कर रहा हूँ पहले डार्क कलर। जब भी आप कोई ट्री करते हैं ऑयल पेंटिंग पे, तब डार्क कलर से पहला लेयर करना चाहिए। सो पर्शियन ब्लू और थोड़ा सा उसके साथ मैं ब्लैक मिक्स करके पहला जो ट्री का लेयर है उसको मैं कर रहा हूँ। सो पहला जो लेयर है जो डार्क पर्शियन ब्लू से मैंने किया है ट्री पे, वो ड्राई हो गया है। और ड्राई होने के बाद आपको क्या करना है, हॉक ब्रश यूज़ करना है, क्योंकि ये बहुत ही रफ होता है। सिर्फ आपको पुश करना है, मैंने डार्क ग्रीन लिया है और लेके उसको पुश कर रहा हूँ मैं, और बहुत ही ईजिली जो लीफ का जो इफेक्ट है वो बन पा रहा है। डार्क ग्रीन का जो लेयर है उसको कंप्लीट करने के बाद आप कर सकते हैं थोड़ा लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन के बाद आप कर सकते हैं कोई भी येल्लो, लेमन येल्लो हो या फिर येल्लो, आपको हाईलाइट के हिसाब से करना है। जिस जगह पर ज़्यादा हाईलाइटेड एरिया है वहाँ पर आपको येल्लो ऐड करना है। सिर्फ टच कर रहा हूँ मैं हॉक ब्रश से, और बहुत ही ईजिली हो पा रहा है। यहाँ पर आपको स्मूथ वाला जो ब्रश है सिंथेटिक ब्रश नहीं यूज़ करना है ट्री पे, ट्री पे आपको हॉक ब्रश से ही करना है। हॉक ब्रश से क्या होता है, इफेक्ट बहुत ही इजीली आता है, क्योंकि बहुत ही हार्ड होता है, टच करने से आ जाता है लीफ का जो इफेक्ट है वो इजीली आ जाता है। और अभी मैं कर रहा हूँ लैंड येलो ऑकर और थोड़ा सा ब्राउन मिक्स करके मैंने इसको कर दिया है। जिस जगह पे ज़्यादा मतलब डार्क है पेड़ के नीचे, ऑब्वियसली शेडो होगा, हॉक ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा झाड़ी है, जंगल टाइप का इफेक्ट है। सो जंगल्स और ग्रास ये सब बनाने के लिए आप इजीली यूज़ कर सकते हैं हॉक ब्रश। फिर से मैं पुश कर रहा हूँ सिर्फ। और एक चीज़ आप देख सकते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड पे जो दूर है, दूर का जो ट्रीज़ है उसको मैं बहुत ही लाइट रखा है। जो जो चीज़ दूर होता है वो बहुत ही लाइट होता है, इससे एक बहुत ही रियलिस्टिक इफेक्ट आता है। और चीज़ों को लाइट करने के लिए कोई भी कलर पे, अगर आप कोई पेड़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली ग्रीन है तो ग्रीन के साथ थोड़ा व्हाइट मिक्स करके दूर का जो चीज़ें है उसको कर दीजिए, एक ब्लरी टाइप का होना चाहिए। और एकदम जो पास है वो बहुत ही डार्क होगा। और अभी ये सामने वाला पेड़ जो कि बहुत ही बड़ा है, ऑब्वियसली ट्री को भी मैंने पहले डार्क किया है, और उसके बाद पैलेट नाइफ से, पैलेट नाइफ एक मतलब एक ब्रश जैसा चीज़ है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा पैलेट नाइफ के ऊपर। पैलेट नाइफ से मैं क्या कर रहा हूँ, जो टेक्सचर है ट्री का थोड़ा सा व्हाइट और येलो कलर से मैं उसको स्मच कर रहा हूँ, और इजीली बन पा रहा है। आप ब्रश से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और अभी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि वाटर है, वाटर का जो रिफ्लेक्शन है, कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्टली जो है ब्लू कलर कर देते हैं, पर ये बच्चों का काम है, डायरेक्ट ब्लू मत कीजिए। वाटर क्या है, मतलब वाटर पे कोई भी चीज़ें जो सामने हैं उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे पेड़ है, घर है, और भी बहुत कुछ है, जंगल्स है। सो सेम चीज़ को आपको वाटर पे ड्रॉ करना है, मतलब पेंट करना है। सो स्काई को भी मैं वाटर पे पेंट कर रहा हूँ, क्योंकि रिफ्लेक्शन है, जो कुछ भी है आसपास सब रिफ्लेक्ट होगा वाटर पे। तो पानी में क्या होता है, वेव्स होता है थोड़ा, तो ये थोड़ा हिल जाएगा और स्ट्रेट नहीं रहेगा। ये एक एक जो ट्री है वो लाइट करके करना है, सेम डार्क नहीं करना है, क्योंकि पानी पे जो रिफ्लेक्शन पड़ता है वो थोड़ा लाइट हो जाता है। सो इसलिए मैं सेम ट्री को बना रहा हूँ पर थोड़ा लाइट करके, जो सामने है वो डार्क होगा क्योंकि वहाँ पर शेडो है। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, जैसे मैंने ट्री किया वो वैसे ही पानी पर आपको करना है, रिफ्लेक्शन दिखाना है। अभी क्या करना है, आपको एक ड्रायर लेके आपको इसको पहले, क्योंकि ये वेट ऑन वेट नहीं होगा, इसको आपको ड्राई करना है, पर मे बी ये काम नहीं हुआ क्योंकि वाटर कलर पे हो जाता है ड्राई, कोई फ़ायदा नहीं है ड्राई करके, आपको वेट करना पड़ेगा। और अभी क्या करना है, आपको थोड़ा सा ड्राई होने के बाद ये जो मैंने रिफ्लेक्शन बनाया है ट्री का, इसको एक बड़ा सा ब्रश लेके
स्मूथ ब्रश जो सिंथेटिक ब्रश है उसको लेके थोड़ा सा उसको ब्लेंड करना है। इससे बहुत ही एक रिफ्लेक्शन टाइप का इफेक्ट आएगा। शायद मैंने ज़्यादा कर दिया, इतना ज़्यादा मत कीजिए, थोड़ा सा कीजिए, ज़्यादा नहीं करना है। और एक बहुत ही राउंड ब्रश लेके, स्मॉल साइज़ का राउंड ब्रश लेके जो वाटर स्लाइड है उसको आपको देना है, ऐड करना है। ऑब्वियसली ब्लू से होगा, वाइट से होगा। अभी जो हाउस का जो रिफ्लेक्शन है रेड कलर का है तो उसको भी मैं दे रहा हूँ। और थोड़ा सा छोटा मोटा जो ट्रीज़ है और ग्रास है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप देख पा रहे हैं। काश यहाँ पे मेरा घर होता, क्योंकि जंगल है तो शेर वेर का डर थोड़ा रहता, पर बहुत ही पीसफुल जगह है। सो गाइस, होप यू लाइक इट और ट्राई कीजिए, बहुत ही ईजी है। और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और भी वीडियोस देखने के लिए अपकमिंग। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय गाइस।